पंजाबी लोगों मैंने कई जगह आने के मैं तो दिल्ली का हूँ लॉट ऑफ निक नेम्स पिंकू पिंकी पिंटू सो आई थिंक हरिंदर नेचुरली गोज टू हैरी मैं भी एक दो लोग जाता हूँ बस वगैरह हरिंदर हैरी एंड सेजल बिकॉज वो सेजल उनको घर में सेजू बुला बट हैरी एंड सेजल जस्ट ऑल्सो आई थिंक ये जो कैरेक्टर है ये टूर गाइड इन यूरोप और कुछ सालों से वहीं रहते हैं वेस्ट कैनेडा यूरोप में रहे वो बैक स्टोरी इतनी फिल्म में है नहीं बट राइटर के दिमाग में मस्ट हैव इंडियन लोग जब अब्रॉड रहते तो निकनेम हो ही जाते हैं सो आई थिंक यू जस्ट शो द डिफरेंस बिकॉज़ अ पर्सन हु इज लिविंग अब्रॉड लाइक हरिंदर बिकम हैरी सेजल जो यहाँ देश से गुजरात से या मुंबई में जो गुजरात फैमिली वो वहाँ पर निकले Harry's so again the yatra zindagi ka safar ye aapki sa aapki filmon mein kafi wo cheez hoti hai jo ek to bahar ki yatra hoti hai fir bhi yatra hoti hai most all the film in the films travel so the travels outward and travels inside to get I think this is something which it's not happened deliberately as in maine janbujh ke aisa kiya hai ट्रैवल मुझे बहुत ड्रामेटिक लगता है बहुत सिनेमैटिक लगता है और मेरे ख्याल से जब मैं खुद ट्रैवल करता था बचपन में तो बहुत सारी कहानियाँ आती थी और वो कहानियाँ भी अक्सर ट्रैवल की होती थी उस तरह से मेरी बहुत सारी कहानियों में ट्रैवल था और मेरे ख्याल से जो इंटरनल ट्रैवल है उसके बगैर वो मेरे ख्याल से हर कहानी में काफ़ी लोगों ने लेकिन देखा ही है फिर कैरेक्टर होते हैं वो उनका भी एक यात्रा होती है अंदर की यात्रा होती है वो ग्रेजुअली ग्रो करते रहते हैं कहीं पहुँचते अंदर से कहीं पहुँचते रहते हैं हाँ ये मुझे ऐसा लगता है कि वो हर कहानी में ये यात्रा होती है बाहर की यात्रा नहीं तो अंदर की यात्रा होना जरूरी है जो कहते हैं ना कि पात्र और चरित्र में जो फर्क होता है चरित्र जो चरित्र वो है जो चलता है और एक से दूसरा बन जाता है तो मेरे ख्याल से हर कहानी में चरित्र होते हैं जो पहले कुछ होते हैं और बाद में कुछ और बन जाते हैं तो यात्रा ही कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है सर आपका और जज का जो कमिंग टुगेदर कहीं ये चीज़ भी आपके लिए मायने रखती मतलब मायने रखती होगी ऑब्वियसली कि उनकी फिल्मों के अंदर जो काइंड ऑफ एक जो स्पिरिचुअल एक काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल जो एक कैरेक्टर का ग्रोथ होता है या उसका अंदर से चलना होता है वो कहीं ना कहीं पहुँचते रहे अंदर से पहुँचते हैं एक चोरी बाहर चल रही चोरी अंदर चल रही है तो जो हम कहते हैं कि विजडम जो कहते हैं फिलोसॉफी जो कहते हैं स्पिरिचुअल काफ़ी इनकी फिल्म देखने आता है तो कहीं आपके लिए ये काइंड ऑफ एक ऐसा पड़ाव है एक ऐसा एक वहाँ माइलस्टोन है जहाँ पर आप इनसे जुड़ के जो आप में भी बहुत है यू हैव बीन वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट लाइफ लाइफ विद इन विद इन अवर सेल्फ तो कहीं ये चीज़ आई होप सो एक्चुअली मैं 25-26 साल से काम कर रहा हूँ और जब शुरुआत में मैं इससे बड़ा हुआ था तो आई जस्ट वॉन्ट एक्सप्लेन शुरुआत में आदमी अपने आप को समझता है कि मुझे सब कुछ मालूम है वो सबसे आती इंसान की कमज़ोर स्टेज होती है फिर जब मालूम पड़ता है कि कितना सारा और काम बाकी और जितना ज़्यादा मालूम पड़ता है इतना मालूम पड़ता है कितना काम आता है एंड देन यू समवेयर ऑब्वियसली अपना जो काम है उसके टेक्निक आ जाती है उसका एक सिस्टम आ जाता है डेस्क पे कैसे बैठते हैं टाइप कैसे करते हैं सब चीज़ें समझ आते हैं कंप्यूटर के बाद आई थिंक देन यू आर ओनली ऑन द लुकआउट फॉर कि मैं एक किस्म का इंसान हूँ मुझ में अपनी कमियाँ हैं मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम करूँ जिसमें अपनी कमियाँ हूँ लेकिन कहीं मेरी वाली पूरी करता है और एज एन एक्टर मेरा ये बिलीव हो सकता है बहुत एक्ट्रेस का ना हो यार हर किसी का सिस्टम अलग होता है कि मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि जो डायरेक्टर की कहानी है उसके पात्र हैं चरित्र है जो वो सोचते हैं मैं वो सोच को उन चीज़ों में ला सकूँ मेरी अपनी वाली जो है बैक सीट में चली मैं इस फिल्म में या जिस डायरेक्टर के साथ भी काम करूँ मुझे ऐसे डायरेक्टर के साथ मौका मिले कि वो ड्राइवर सीट में हो और मैं उनकी जर्नी में बैठ जाऊँ आप उसमें कोई कुछ एडिशन नहीं करता मैं बिल इसी अगर दो इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंट हों और खुश हो अपनी समझ और सोच से तो आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन होने में भी किसी को तकलीफ नहीं है कि
क्योंकि देन आई एम लाइक टू बिलीव कि इम्तियाज भी इस जर्नी में ऐसे बैठे कि यार ये शाहरुख के इमोशन से मैं ड्राइव हूँ, स्टारडम से नहीं, उनके बड़े डायरेक्टर होने से नहीं. आई थिंक एक स्टेज में आके वो बातें ख़त्म हो जाती. आई थिंक जस्ट इंसानी बातों क्योंकि कहानियाँ सेम होती. आप घूम फिर के आएंगे तो शेक्सपियर से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हमको नहीं मालूम है. बट फाइनली टू पीपल कमिंग टुगेदर इफ वी कैन शेयर दैट जर्नी इमोशनली एंड एक्सपीरियंस वाइज, तब शायद सेम कहानियों में, सेम गानों में, सेम बातों में शायद कोई नई बात हो. आई थिंक खोज फाइनली यही रहती है एक्टर डायरेक्टर की एक समय के. आपने जो कनाडा में कहा था अभी, जो आपने अपनी खुद की बात कही थी और आपने संसार की बात कही थी, यू रिलेटेड बोथ बोथ टुगेदर की भी, मेरी एक एजिंग है मेरा और मेरी कुछ स्ट्रगल है, मेरी कुछ कमजोरियाँ भी है और संसार की भी, इस जगत की भी है, तो उसको रिलेट करें इसमें, तो कहीं उसमें ये फिल्म जो है या ये जो प्रोजेक्ट है संसार को बेहतर बनाने की जो बात कही हमने कि प्यार करना चाहिए, शांति चाहिए, और मैं एजिंग स्टार स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमारी दुनिया जो है वो भी स्ट्रगल कर रही है, तो उस बात में कहीं ये फिल्म कहीं ऐड करती है कुछ? आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल हम अलग अलग फिल्में बनाते हैं, कहीं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लेकिन मुझे जेन्युइनली बिलीव है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसी करता हूँ, मुझे जेन्युइनली बिलीव है कि प्यार से ज़्यादा कोई और बात में ताकत नहीं. अब ऑफकोर्स हम जो है प्यार इश्क बहुत सारे दिखाएं, माँ के साथ दिखाएं, बच्चों के साथ दिखाएं, बट आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कई बार हम फ्रिवलेसली बात करते हैं, मेरे बारे में भी करते हैं, अरे लव स्टोरी करते हैं, बट आई थिंक वो सबसे खूबसूरत स्टोरी है. और बाकी फिल्में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोशल मैसेज की हैं, जो ज़्यादा समटाइम्स वेरी करंट अफेयर्स के ऊपर डार्कर फिल्म्स हैं. इम्तियाज़ ने खुद ऐसी फिल्में बनाई हैं जो इमोशनली उस जगह पे लेकर जाती हैं जहाँ हम शायद ना जाना चाहते हैं. बट आई थिंक ऑल दोज आर इम्पॉर्टेंट, बट आई रियली बिलीव माई स्ट्रगल नॉट जस्ट अबाउट द एज, इट्स एन एज ऑफ इमोशन, कि माई इमोशनली आई नो सो मेनी न्यू थिंग्स एवरी ईयर, एवरी फाइव ईयर्स. जैसे अब मैं 52 का हूँ, मेरा 20 साल का लड़का है और एक 4 साल का बच्चा है. देयर सो मेनी न्यू थिंग्स आई फील विच मुझको एक्सप्रेस भी नहीं करनी. मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक्टर हूँ, तो शायद इस फिल्म के अंदर वो आ जाए, टिपिकल लव स्टोरी के अंदर जो मैं कर चुका हूँ, जो लोग समझते हैं, शायद कोई नई बात है. मैं जब इम्तियाज की फिल्म शूट कर रहा था तो मुझसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इतनी लव स्टोरी कर चुके हो तो इसमें क्या लगे. मुझे ये लगता है कि मैं अब लव बन चुका हूँ, मैं अब लवर नहीं, अब मैं लव बन चुका हूँ. और मुझे ये भी समझ आ चुकी है, समझ नहीं फील आ चुकी है कि लव के बहुत सारे पहलू होते हैं, वो सब पहलू से कभी कभी बाहर दुनिया से वो गलत लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है प्यार का हर पहलू अच्छा. सो होपफुली ये सब बातें जो मैं सीख रहा हूँ एज अ स्टार, एज अ हस्बैंड, देन एज अ फादर, देन एज अ grown up children's father, now younger son's father, and then perhaps being in this industry for so many years, I think at the end of it all I hope I'm able to bring that quality which is not definable. Main bol sakta hu kabhi kabhi, lik sakta hu, but I think best expression is through a film. Jo samjhe bahut acha, jo na samjhe gaana bajana bahut acha, entertainment khush ho ke chala jaye, to wo cheez hai. Thank you. Sabse pehle to Shahrukh ye bataye kaisi lagi Gujarat ki sejals, jitni bhi sejals se aap mile ho उन सब में कोई एक कॉमन बात आपको दिखती है? दूसरा सवाल के हेरी की जो सेजल है उसमें और गुजरात की सेजल्स में कितनी साम्यता है? एक और सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जिन भी सेजल से आप मिल नहीं पाए गुजरात की, उनको अगर कुछ कहना है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा डिजिटल से FB लाइव हो रहा है. मैं बार बार सवाल पूछूंगा, बहुत सारे यहाँ की सेजलें बहुत अच्छी लगी, उनकी स्पेशल बात यह है कि वो गले बहुत अच्छा लगा दू, कुछ फोटोज आई हमारे पास, और चुनती बहुत अच्छा, जितनी भी सेजल थी वहाँ पे उनमें से कईयों के बाल मेरे मुंह में चले गए, आपके बाल मेरे पास है. लेकिन जोक सपाट मैं सच बोलूंगा, जिस जगह पर मैं आ चुका हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है, मेरा इतनी सेजल भी थी और एक बड़ी सेजल भी थी, तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अपना समझ के सब प्यार करते, किसी के दिल में दिमाग में कुछ नहीं है, बस मुझसे मिलने की तमन्ना है और मुझे भी बिल्कुल वैसी ही तमन्ना है. दूसरा सवाल तुम्हारा था कि मेरी सेजल और इन सेजलों में क्या डिफरेंस है.
वो अगर मैं बताऊंगा तो मेरी सेजल बुरा मान जाएगी लेकिन अगर तुम ये किसी को बताओ ना और ये लाइव ना होता तो मैं ये कहता कि ये वाली सेजल बहुत स्वीट है, मेरी वाली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। और तीसरा सवाल ये कि जिनसे मैं नहीं मिल पाया, सो आई एम ऑल टू ऑल द सेजल्स आई एम सॉरी, और ऑल राधिकाज आई एम सॉरी, निमिषाज आई एम सॉरी, जितनी भी लड़कियां हैं देश की और दुनिया की जिन जिन से मैं नहीं मिल सका, मेरी एक ड्रीम है मेरा कि अगर मुझे गाना गाना आता था और मुझे गिटार बजाना आता हो गाना तो मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं दुनिया में हर लड़की के लिए गाना गाता। अच्छा। ये मेरी बहुत तमन्ना है, कोशिश कर रहा हूँ कि इस फिल्म के जरिए बहुत सारों के पास पहुँच सकूँ, और सिर्फ सेजल ही नहीं जिनसे भी मैं नहीं मिल सका एक ना एक दिन जिंदगी में ज़रूर मिलूंगा, और आप मुझे गले लगाना मैं बाल खाऊंगा। फिल्म के बारे में हम थोड़ी सी बात तो कर चुके हैं, लेकिन मैं पॉइंट सवाल ये चाहूँगा कि इस फिल्म जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सी बात थी जिस वजह से आपने इस मूवी को सिलेक्ट किया? हाँ ये मैं जेन्युइनली मैं बताता हूँ, मैं इसलिए नहीं क्योंकि इम्तियाज यहाँ बैठे हैं, हमारी वो रिलेशनशिप नहीं है कि हम एक दूसरे के मुँह के सामने तारीफ करें। अच्छा। मैंने इनकी जितनी भी फिल्में देखी हैं या इनसे जब भी मैं मिला हूँ, जब हम साथ में काम नहीं कर रहे, मुझे इनकी दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। एक इनका जेंटलमैनलीनेस जिसको मैं उर्दू में नज़ाकत बोलता हूँ, और एक इनकी शराफत, और वो इनकी लिखाई में दिखाई देती है, इनकी फिल्मों में दिखाई देती है, और ऑब्वियसली इफ़ यू स्पेंड टाइम विद देम यू विल अंडरस्टैंड दैट इवन मोर। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत मैं भी वैसा हूँ, तो काम इस उम्र में आके मुझे सिर्फ उनके साथ करना है जहाँ पे कुछ चीज़ें मेल खाएँ, सोचने का तरीका। इसी हम फिल्म करते हैं 7-8 घंटे, सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, मैं 11 बजे पहुँचता हूँ, फिर उसके बाद 6-7 बजे पैकअप होता है। 100 दिन हमने साथ में गुजारे, ये फिल्म हम जिंदगी भर साथ में गुजारेंगे, लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए, ये जिंदगी भर गुजारेंगे। सो द पर्सन दैट यू वर्क विद, उनके साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कभी दिमाग का होता है, कभी दिल का होता है, कभी इंटेलेक्ट का होता है। सो मेरा बहुत दिल था जब भी मैं इनसे मिला। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने मुझे शायद पहली बार में 20 या 25 मिनट ये कहानी बताई होगी, मुझे इनकी इस फिल्म कहानी से ज़्यादा इनकी कहानी को जानना ज़रूरी है। सो आई वॉन्टेड टू जस्ट बी विद हिम, स्पेंड टाइम विद हिम, एंड उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कोई नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कहानियाँ तो मैंने यार अब 70 फिल्में कर चुका हूँ तकरीबन, कुल मिला के हर किस्म की कर चुका हूँ। इसी साल में मैंने फैन भी की है, रईस भी की है, डियर ज़िंदगी भी की है, ये भी की है, तो कहानियाँ मोर और लेस हो गई। जो इंसान है जिनके साथ काम करते हो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विद इम्तियाज फॉर द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, जेंटलमैनलीनेस एंड सेंसिटिविटी दैट ही ब्रिंग्स टू हिज फिल्म्स। This is not going towards the film. This is going towards Sufiana and Abraham and the 20-year-old. So social media is really taking it up, and you know, rolling. You know, they go onto your kids' personal life. They you know, share pictures and stuff. So how do you really react about it when they share your pictures, Suhana's pictures, and you know, their night outs and Abraham's pictures with you? So how do you really react with it? Very early on, I realized two things. One, I am public property. How much ever unfortunate and private I would like the life of my family to be, it's not me. ये reality है, और ये honest reality. I can keep on doubting about it कि हमारी privacy है, मैं गाड़ी के काले पर्दे लगा सकता हूँ, बच्चों को बाहर जाने से रोक सकता हूँ, बहुत security बोल सकता हूँ. I think it's all dependent. We live in this world. I became a star because I really love being a star, and I know these are things that are going to happen. So I accept it with love as part of my, I won't say, but occupational hazard in a good way. Second part, if they're on social media and if there is a method that social media reacts to things, if I did not like it, I should not be on it. The fact I'm on it, I have to accept what comes with it. Having said all that, I would truly like to tell everyone, I like the frivolousness with which people use social media. It's very nice. But being older, I would just request everybody, we should respect each other and love each other a little more. Having said that, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इसने मुझको गाली दे दिया, इसने मुझे ये कर दिया, तो छोड़ दो, मत करो। अब मैं यहाँ पर अगर आया हूँ रात को 12:30 बजे तो लाजमी है यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होंगे, कुछ लोग जो होने चाहिए वो, you have to accept the situation that you are in. So if you're on social media, all these things are going to be part and parcel of our lives. It's an age about information, it's about, I always tell him,
finally everything in life from the soul has reduced to a selfie. Hmm. And that's what life is. And you have to accept it and live with it. I like my soul, I like my selfies also. Hmm. It's as simple as that. Also, if you have to impress a girl in no time, and you've got two options. One is one nice love one-liner, and the other one is to show your abs. So what would you go for? I always impress a girl in no time. I mean, generally, I'm sorry. Neither the abs nor shiny dimples. Dimple is simple. So if you have a dimple, then halfway done. Dimple se abs ka kaam ho gaya. Dimple se abs ka kaam ho gaya. Tu bada hope kar tera wala. Tujhe abs banane padenge. That is if I want. I'm not going to dress. If I really want to tell a lady how I feel, I'll talk with her. Abs. I have some picture ke liye yaar, so I don't think any lady gets impressed by abs. It's good to be able, but I don't think you would use your abs to impress a girl. I think you just have to use your goodness to impress a girl. This way. But sir, my question is that what is the reason you are back to back in Gujarat after Rais and with this film? Yeah, Rais Gujarat ki film thi. Yes. Actually, I'm back to back. Nahi, wahan pe aakhir mein aaye the Rais ke baad. Okay. Yeah, humne shuruaat yahan se ki kyunki hamare character jo hain Sejal Zaveri hain. Gujarat ki character. और हम जो लॉन्च कर रहे हैं जैसा मैंने बताया इम्तियाज बहुत सेंसिटिव है. मुझे ऐसा लगता है जो एम्पावरमेंट गुडनेस ब्यूटी बोल्डनेस जिस वर्ड से भी बोले जो उनकी फिल्मों में लड़कियों की होती है बहुत कम डायरेक्टर्स की होती है. और मैं से जब बात कर रहा था तो एक दिन उन्होंने मेंशन किया गुजरात की लड़कियाँ एक्चुअली ऐसी ही होती हैं. मुझे अभी मालूम पड़ा हमने कि यार यहाँ पर इतना सिक्योर है मे बी दैट ऑल्सो हेल्प्स. You know, ki you can be late night. Mm-hmm. Somebody told me the last lady who leaves from here is 1:30 a.m. in the morning. Yes. So, all that said and done, the film being led by a Gujarati character, we both truly believe the film moves because of the female character in the film. It's very important. A love story is beautiful because of the girl in it. Boys, to jiske bhi six pack hai, wo kar sakta hai. And I think. But we really wanted to start the first thing we did for the film with the method of what Sejal stands for, which is Gujarat. So कितने गुजराती character कितने होंगे इसमें Sejal के साथ? जितने भी उनकी family गुजराती है. पूरी है. तो वो सहन करना पड़ता है उसमें फिल्म में. मुझे तो उनकी सहन मैं तो उसे लड़की को सहन करता हूँ. Family को साथ में देखें तो मेरी. इम्तियाज़. सर मेरा आपसे एक question था कि 2012 जब भी मेट गीत का कैरेक्टर था और यहाँ Sejal है तो व्हाट्स सिमिलरिटी क्या है उसमें? पता नहीं यार बहुत ज़्यादा एक्चुअली दोनों बोलती बहुत है. इंस्टिंक्टिव है बस दिल से काम लेती हैं और दोनों थोड़ा बेवकूफ भी है. Okay. ये सिमिलरिटी. सर फाइंड आउट कैसे किया Sejal का कैरेक्टर कैसे सोच में आया कोई गुजराती साथ मिले कैरेक्टर पर्टिकुलरली? जब मैं बॉम्बे आया था दिल्ली से तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स किया था एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का और उस कोर्स में काफ़ी सारी गुजराती लड़कियाँ भी थी. उनके साथ मैं एक्चुअली वो डांडिया में बोल ले जाती थी हम लोग. मैं हॉस्टल में रहता था तो ये लड़कियाँ अक्सर खाना वाना भी लाती थी और बहुत बोल्ड होती थी और इनकी बात करने का एक स्टाइल होता था जो बहुत मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक लगता था इनका इनका कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड रहता था इनकी इनकी भाषा से इनके हाव भाव से खास करके जो बॉम्बे की गुजराती लोग होते हैं वो अलग. हमारी हिंदी में थोड़ा सा गुजराती बना. हाँ हमारी हिंदी में जो थोड़ा सा गुजराती बना आता है या गुजराती में जो हिंदी बना आता है या इंग्लिश बना आता है तो वो जबान को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है. तो मैं ऐसे काफ़ी लड़कियों से मिलता था और मुझे बहुत ड्रामेटिक भी लगती थी बिकॉज उनकी बहुत लिबरेटेड और बोल्ड होते हुए भी इनोसेंट होती थी. जो मॉडर्न कपड़े पहनती थी शहर के मगर बहुत ही ट्रेडिशनल माइंड था हुआ करता था. सो जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लाइफ में लगती है कहीं ना कहीं आपकी मर्जी के खिलाफ वो आपकी फिल्मों में आई जाती है. ऐसे हाल ही में आपके किसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि जब भी मेट जो है वो आपकी पसंदीदा फिल्म नहीं है. हालांकि वो आपने जिस रेफरेंस में कहा उस रेफरेंस में मुझ तक पहुंचा या नहीं वो मैं नहीं जानता लेकिन ऐसा कुछ कहा है आपने आपको नहीं पसंद है जब. एक्चुअली मेरी कोई भी फिल्म एक पॉइंट के बाद मुझे पसंद नहीं होती है. क्या बात? क्योंकि
उसमें ना क्योंकि आपका काम है उसको अच्छा बनाना और आप उसको थोड़ी शक की निगाह से देखते हैं अपने काम को ना कि इसको आप काम कर रहे होते हैं आपको उसमें तो आप अच्छा जरूर करते हैं पर कुछ देर के बाद आपको जरूर ये समझ में आता है कि शायद वो करना बेहतर होता या ये इतना अच्छा नहीं हुआ है ये बेहतर हो सकता था। एक पॉइंट के बाद आप के पास वक्त नहीं होता उस फिल्म को बेहतर करने का, आपको अच्छा ही लग रहा होता है बट धीरे धीरे क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि ये फिल्म जिंदगी भर अब हमारे साथ रहेगी और इस फिल्म में बहुत सारी बारीकियों को हम पहचान रहे होंगे और इस फिल्म किसी भी फिल्म में ऐसे ही होता है कि फिर आपको लगने लगता है नहीं यार ये उतना अच्छा नहीं था ये बहुत अच्छा हो सकता था ये चूक हो गई मुझसे ये गलती रह गई और फिर वो जितना दूर जाती है उतने और आपको नजर में आने लगता है कि चीज़ें और भी अच्छी हो सकती हैं। तो अब क्योंकि उसमें बहुत सारे साल हो गए तो 2007 में रिलीज हुई थी फिल्म अब 10 साल होने को आ गया हो गया तो उनमें बहुत सारी बुराई नज़र आती है। अभी अभी ना फिल्म मेकर होते हैं बहुत क्रिएटिव लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला चॉइस आई थिंक फिल्म शूट करने से पहले सबसे ज़्यादा नॉलेज उस फिल्म की डायरेक्टर राइटर के पास फिल्म ख़त्म होने के बाद सबसे कम नॉलेज उसी फिल्म की डायरेक्टर राइटर के पास वेरी स्ट्रेंज थिंग इट्स लाइक यू नो व्हेन यू आर हैविंग अ चाइल्ड योर फुल नॉलेज यू वॉन्ट द चाइल्ड यू वॉन्ट हमें लड़की चाहिए हमें लड़का चाहिए वट एवर द चॉइसेज हाउ एवर इट हैपन्स एंड देन एज योर चाइल्ड ग्रोज यू आर द लास्ट वन टू नो वे योर चाइल्ड इज हेडिंग यू आर द फर्स्ट वन टू क्रिएट द चाइल्ड यू आर द फर्स्ट वन विद द नॉलेज के आई वॉन्ट अ चाइल्ड एंड वी आर रेडी फॉर अ बेबी बट वॉट दैट बेबी बिकम्स आई थिंक योर पेरेंट्स नो द लीस्ट अबाउट कभी कभी वो सही दे अरे कैसे मुझसे बात कर रहा हूँ मैं बाप हूँ उसका यू डोंट इवन रियलाइज वेयर इट्स हेडिंग Sometimes they start teaching you things. Ki zindagi aise hai. So a filmmaker goes through that only. That's why, like when I said, this will remain with us for life. 10-12 saal, 15 saal baad, inshaAllah, hum kahin baithe honge. Yaar, ye kya banaya hua hai yaar? InshaAllah, chalegi. Logon ko bahut pasand aayegi. And that won't be the reason we like it or dislike it. Yeah. Sometimes the one who doesn't run the at all is the one you love the most. आपको कभी लगा है किसी फिल्म अपनी फिल्म को लेकर ऐसा कुछ? मैं तो अपनी फिल्म देखता ही नहीं. मैं जो भी हम देख रहे हैं मुझे कभी इम्तियाज़ बुला के दिखा रहे हैं या गाना प्रमोशंस के लिए कर रहे हैं सो ऑब्वियसली पूरी फिल्म कभी ना कभी ऐसे मिलती जुलती टूटी फूटी मिल के दिख जाएगी बट फाइनली ओवरऑल द डे इट रिलीजेज उसके बाद मैंने बहुत कम अपनी मुझे पता नहीं लास्ट फिल्म मैंने कौन सी बैठ के देखी आई हैव नॉट सीन अ फिल्म ऑफ माइन फॉर इयर्स सो तो देखी भी नहीं करता इस आंसर में उसके चाइल्ड का जिक्र है एक और आंसर में भी आया मैं सब एक इंटरव्यू में भी देखा कि आर्यन ने किसी को टीस किया तो आप बहुत बैठ देंगे ऐसा क्यों नहीं मैंने ऐसा बोला था कि कोई लड़का मेरी बेटी को किस करे तो मैं तो जोक तैयार है जो सीरियस नहीं नहीं मैं वो लाइट टोन में पूछ रहा हूं एंग्री समझ रहे हो आर्यन करेगा तो मैं तो लड़कियों की तो बिल्कुल कुछ मैं किसी भी तरह से उनको हानि नहीं पहुंचा सकता तो अगर कोई पूछेगा तो उस लड़की के फादर के बिहाफ पे मैं आर्यन के होगा दूसरे बापों का भी तो ख्याल रखना सर आपने मार्केटिंग की बात की आप जब खड़ी करते थे बॉम्बे में जेवियर्स पर तब एक संघर्ष की बात मैंने पढ़ा था इंटरव्यू में कि आपके पास 10 रुपये थे और 10 रुपये के मतलब रात को वो 10 रुपये का खाना खा गए बस स्टॉप पे सो गए थे ये तो एक संघर्ष की बात की ऐसी कोई बात की जो आपको याद आती है आपकी लाइफ की जर्नी की संघर्ष की जो आपने कभी शेयर नहीं की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ये सारी बातें जो आप मैं खुद भी सोचता हूँ अगर मैं आपको बताऊँ कि ऐसा हुआ था एक्चुअली वो जो 10 रुपये की बात है ये सच है हम मैं अकेला नहीं था कई सारे लोग साथ तो पैसे 10 ही रुपये थे तो अपना टेक्निक ये था उस जमाने का कि ब्रेड होती है तो वो आप खा लो पेट नहीं भरेगा फिर उसके बाद जब पानी पी लेंगे ना तो फूल जाता है अंदर में ना बड़ी बात है तो अब सुन के लगता है कि कितना मतलब बुरा हाल था बट नाउ आई विल डू एनीथिंग टू गो बैक इतना मज़ेदार वक्त था वो बहुत ही मतलब इसमें कोई भी संघर्ष नहीं था इसमें कोई भी मिसफॉर्चून या ये दिस वर नॉट द डार्क डेज ऑफ माय लाइफ एट ऑल दिस वाज द ब्राइटेस्ट डेज बहुत खुशी है मुझे कि इस तरह की और इसलिए नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे पैसे नहीं देते या मैं कहीं से जुगाड़ नहीं कर सकता था इसलिए क्योंकि मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल था और ऐसे
घूम रहा होता था अपने दोस्तों के साथ तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि मस्ती का पार्ट है, स्ट्रगल का नहीं। गुजरात आपको क्यों पसंद है और गुजरात किसके कौन सी जगह आपको ज्यादा पसंद है? गुजरात में आपने शूट किया था, कच्छ में किया था, रईस का अभी कौन सी जगह? सिनेमैटिकली बहुत खूबसूरत है यार, भुज का जो एरिया था बहुत ही खूबसूरत है। हमारी कोशिश थी हम और भी आगे जाके शूट करें, बट आई थिंक वहाँ पे बॉर्डर आता है, बॉर्डर है इंटरनेशनल, मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ तक भी हम रईस का क्वेश्चन, आपने शायद फिल्म में भी देखा हूँ, गए थे मैं वहाँ, I don't know, compare नहीं करूँगा, बट कोलोराडो, लद्दाख, भुज, मतलब एक सिनेमा वालों को बैलेंस बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैंने शहर में भी शूट किया, आई थिंक अहमदाबाद में भी किया है, वो इतना मौका नहीं मिलता, लोग इतने चारों तरफ होते हैं, बट आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। और जब भी मैं आया हूँ मोस्टली मार्केटिंग के लिए आया हूँ या दोस्तों से मिला आया हूँ, जय भाई जू बहन वगैरह के घर आए, सो आई लाइक इट हियर बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम हियर। मैं जब मैंने किसी को बता रहा था जब हमने क्रिकेट टीम शुरू की थी तो तब बड़ा वो रिसर्च होता था कि कौन सी टीम कहाँ पे फेमस है, ऑफकोर्स जिस सिटी की टीम थी वही फेमस है, लेकिन आई थिंक कोलकाता एक टीम थी जो गुजरात में कोलकाता ज़्यादा पॉपुलर थी। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड आई मीट लॉट ऑफ पीपल, सो ऑब्वियसली एवरी प्लेस इन द कंट्री इज नाइस व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड सी, बट आई स्पेसिफिकली एंजॉयड शूटिंग हियर ऑल्सो। And I wish I could shoot more. I don't know very many locations, but if I find out, if we can set a film here, that'll be nice. Gujarat का कौन सा person है आपको जो पसंद है? कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा पसंद है गुजरात से, अगर live इस ज़माने में बात करें तो कौन सा कोई person? PM साहब है, बहुत सारे लोग हैं, आपको कौन पसंद? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि नेशनल हो गए अभी, वो इंटरनेशनल हो गए साहब, तो इसके कारण आपको पूछ लिया, अभी इंटरनेशनल हो गए। Of course, Modi sir. I mean, you know, the way he works. I met him also some time back. I'm just telling them, actually, in the car driving from the CM sir, that it's extremely inspirational. Extremely inspirational the way he thinks of what he wants to do with the country. It's extremely inspirational. And humko shayad itna samajh nahi, but to spend that time, even with the CM sir there, it was very inspirational. And also very, how do you say, informative. हमको ना उन लोगों की स्ट्रगल और वो कहाँ से यहाँ तक पहुँचे, अभी हम जो है पीएम साहब देख रहे हैं, सीएम साहब देख रहे हैं, हाँ। बट जब उनकी कहानियाँ मैं जब मिला हूँ मैं सबसे, तो मैं हमेशा आज भी मैं आधा घंटा लेट इसलिए हूँ तो मैं पूछने लगा रहा सर उस वक्त क्या होता था, सो आई लाइक टू नो वे दिस पीपल हैव कम फ्रॉम, आई थिंक दैट्स वेरी इंस्पायरिंग द स्टोरीज आई हर्ड फ्रॉम द पीएम साहब एंड सो मेनी अदर पीपल हियर, या मोस्ट मोस्ट इंस्पिरेशन। Sir, one question about love stories. We have got a lot of films on friend zone, on loving relationships, and a lot of the films, not just about you, generally. We've got a lot of such. And the society has also, you know, gone that way. It has accepted the facts. But still, you know, the films which has simple love stories. And you know they really work on the old school kind of formula. So why do that films are accepted the most and cherished and celebrated the most till today? Because the basic sentiment of love, or the basic sentiment of two people wanting to be together, is the most old school funda that there exists, and it'll always be. And what changes is the mechanics of the time. You know, you will have you will not have Jalaluddin Muhammad Akbar becoming the barricade or the obstruction between the lovers. There'll be something else, which might be something internal as well. So if parents are not opposing it, maybe the social media is. You know, those things change, but I feel those things are superficial. The basic sentiment remains the same. So that is why the simple old school type of what we call old school stories are the most effective. I think it's also not old school, whether you see the oldest films also, this Romeo and Juliet, Hir Raja, the classical love stories, Shakespeare's, Romeo and Juliet, all of them, Mughal-e-Azam, I don't think they are really old school. They were very modern for the time. At that time we thought they were very modern. You know, usko दीवार में चुनवा दिया गया। टुडे यार दैट कैन लुक वेरी स्ट्रेंज यार, गुस्से में बट वो राजा थे यार, करवा सकते थे यार, आई डोंट नो हाउ मच फिक्शन देयर इज, हाउ रियल दैट स्टोरी इज,
and now you talk about friend zone, live in relationship, etc., etc. I think somewhere, even in those films, if the classical love was shown, not in terms of old school, but love was strong enough, the friend zone film will also do as well as what you think is old school. That's what I mean. I think Dilwale Dulhaniya wasn't old school. And any ki for its time or not. Kya tha, wo ladka aata hai, mujhe tumse shaadi karni hai. Aur uska change kya tha? Is it old fashioned? I think it's really cool. Instead of ladki ke saath bhaag ke jaake, chak se chalang maar do, jo nahi karna chahiye kisi ko. ना पढ़ाई लिखाई के अंदर ना एग्जाम्स की वजह से ना प्यार में इनसेट से यार मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को समझा लूंगा आई थिंक दैट इज वेरी कूल दिस नथिंग फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ बॉय एंड यू बोथ आर हैविंग स्ट्रेस हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ द बॉय सेज किया क्या भागना क्या बदतमीजी करनी क्या टेंशन चल ना मैं मम्मी डैडी को समझा लूँगा मैं हैंडल करता हूँ आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली मॉडर्न एंड कूल इटसेल्फ सो आई थिंक लव इटसेल्फ डज वेल समटाइम्स फिल्म्स लाइक फ्रेंड जोन और मुझे तो इसका मीनिंग भी मालूम है लेकिन ये सब जब नहीं चलती तो उसका ये मतलब नहीं कि मॉडर्न फिल्म को एक्सेप्ट नहीं किया आई थिंक उसमें लव वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ द फीलिंग ऑफ लव वाज नॉट स्ट्रॉन्ग और जिसमें भी हो रहा है चाहे वो ओल्ड स्कूल है बाय चांस अकॉर्डिंग टू यू और मी बट आई थिंक द फीलिंग ऑफ लव बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट स्टोरी विल अ फिल्म व्हिच कैन इवोक द स्टोरी फीलिंग ऑफ लव विल नेवर गो इंटरनेशनल मतलब वो डॉक्टर शिवागो हो चाहे गॉन विद द विंड व्हिच है गॉन विद द विंड में लड़का चला ही जाता ना यार बट है लव स्टोरी सो इट्स अ आई थिंक इफ द लव इज स्ट्रांग इट विल वर्क सर पर्सनल तौर पर और प्रोफेशनल तौर पर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है आपके हिसाब से और अगले 10 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं तो तीसरा भी पूछ लिया क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं टिकटॉक पे बैठा हूं आई थिंक मेरा क्या करूं इन लोगों ने कह दिया कि खत्म करो तो मैंने एक में दोनों डाल दिए अलग अलग थे मैंने जोड़ दिए शुरू से तीन तीन कर रहा है सब सेजल के रिलेटेड थे सर I think my biggest strength is patience and my biggest shortcoming is patience. My patience strength is that I don't overreact. I don't overreact. I keep my work. I keep my work. I keep my creatively good work. How do I feel? I don't overreact. I don't overreact. I think it's okay. What is it? 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 Sometimes this patience feels weakness. और आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा डाउनफॉल भी है कई बार लोग मुझे बोलते हैं व्हाई डोंट यू डू दिस व्हाई डोंट यू से दैट व्हाई डोंट यू फिक्स दिस आई जस्ट फील जब जब जो जो होता है तब तब क्यों क्यों होना चाहिए और आई थिंक दैट पेशेंस समटाइम्स पीपल कैन बिलीव समटाइम्स द वे योर गुडनेस योर जेंटलमैनलीनेस इज मिस्टेकन फॉर अ वीकनेस ऑफ यू नो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ आई थिंक पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एनीवन कैन कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है कैसा हो रहा है Of course, I've also overreacted in many places, and wrongly so. But that's a human trait. Kabhi na kabhi galti ho hi jati hai. So I've done it many times. But I try myself to keep that patience on. Koi cheez jaldbazi mein aaram se sab theek ho jayega. Wo meri film ka dawa hai ki ant mein sab theek ho jayega. Dusra kya lag raha hai? 10 saal ke baad apne aap ko kahan dekhoonga? 10 saal ke baad main wahi dekhoonga na jahan pe main is waqt. Main chahe kuch bhi kehne. मैं अभी कहीं पढ़ा था कि इस उम्र के अंदर हाफ लड़के में तो आई शुड बी रोमांटिक कुछ करना जब मैं ऐसे बोलता हूँ लड़कियाँ राजी तो क्या करेगा काजी सो ऑल द गर्ल्स आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट एब्सोल्युटली यू नो ओके सो आई एम गोइंग टू बी डूइंग एवरीथिंग आई वांट टू डू आई रियली बिलीव आई हैव द सोल ऑफ अ यंग बॉय अ यंग मैन इन माय हार्ट एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग माय सर्विस एज एन एक्टर आई रीच अ स्टेज वेयर आई डोंट थिंक I do a lot of acting for myself anymore. I think it's a service I have to do, which is to thank everyone for making me who I am. Does not mean I'm doing anyone a favor, but I just have so many wonderful stories to tell. I've not even told half of them yet, and I hope I have the strength, physically and emotionally, to continue to do so as long as I can entertain. People are watching online you from all over the world. अच्छा बता अमेरिका थी जो था सर कनाडा ही हाँ We are 27 like reach. We international. Thank you everyone. God bless you.